एवरीवन, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लास 3 के बच्चों का सिस्टम के बारे में बताया था, है ना, आवर बॉडी सिस्टम के बारे में। तो मैंने उसमें बताया था कि मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो आज की वीडियो में वही क्वेश्चन है। पहला वीडियो में मैं दो तीन तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पहले सिंपल रहेगा, उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करेगा। तो पहला वीडियो में मैं वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 सॉल्व करूंगी, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूंगी। तो आज के वीडियो में वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 मैंने सॉल्व किया है। आप लोग भी देखो, आप लोग भी सॉल्व करो, खुद से कोशिश करो, और कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसके बाद वीडियो में मैं एक्सरसाइज डालूंगी, क्लास 3 का ही बॉडी सिस्टम के बारे में ही उसका एक्सरसाइज डालूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है वीडियो को। थैंक यू, देखते हैं क्या है, ठीक है। वर्कशीट 1 नंबर, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू रिवील टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन, टिश्यू, स्केलेटल। 2 नंबर, राइट वेदर इच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, टिश्यूज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। फॉल्स, टिश्यूज नहीं है, सेल्स है हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक। बी नंबर, सेल्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, ट्रू। किडनी इज एन ऑर्गन, ट्रू। एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉल्स। 3 नंबर, कम्प्लीट दिस स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, मेनी सेल्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, समटाइम a cell remain alone but it performs all the functions of life, the best example is bacteria, bacteria जो होता है वो unicellular होता है, मतलब एक cell का बना होता है। 4 number, with respect to skeletal system, answer the following question. 1 number, two functions of skeletal system, it gives shape and support to our body, it comprises of a bony framework. 2 number, how many bones are there in our body, 206 bones. What is the bony framework of our body called, skeletal. 5 number, encircle the odd one out, kidney, tissue, cell, excretory system, man, bricks. तो किडनी, मैन, टिश्यू, सेल, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये सब क्या हमारे बॉडी से रिलेटेड है ना, लेकिन ब्रिक्स क्या है वो नहीं है, तो ब्रिक्स ही इसमें ऑड वन है। इसमें देखिए क्या है, एनिमल विथ अ वाटर स्केलेटल, तो अर्थवर्म एंड स्लग्स हैव स्पेसेस इन देयर बॉडी दैट आर फुल ऑफ वाटर, दीज स्पेसेस एक्ट लाइक वाटर स्केलेटल एंड सपोर्ट द बॉडी। वर्कशीट 2, 1 नंबर, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू रिवील द नेम ऑफ 3 सिस्टम, सर्कुलेटरी, नर्वस और डाइजेस्टिव। 2 नंबर, राइट वेदर इच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन ह्यूमंस, ट्रू। एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज कम्पोज ऑफ हर्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, फॉल्स। ए हर्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, और एक्सक्रिएटरी में क्या होता है, किडनी, यूरेट्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब होता है। सी नंबर, नर्वस सिस्टम हेल्प अस टू थिंक, रीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, ट्रू। The size of eyes remain same throughout the life. True, ये भी सही है कि हमारा जो आई जब जन्म लेते हैं तब से लेके बड़े तक जब भी हमारा लाइफ होता है तब तक आई का साइज जो होता है सेम होता है, आई कभी भी बढ़ता नहीं आई का साइज। 3 नंबर, कम्प्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, वेन वी ब्रीद इन द एयर गोज इन साइड आवर बॉडी, दिस एयर इज यूज टू ऑक्सीडाइज द फूड एंड रिलीज एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज इज यूज फॉर ड्यूरिंग वेरियस बॉडी एक्टिविटीज। 4 नंबर, नेम 8 सिस्टम्स इन द बॉडी, द स्केलेटल सिस्टम, द मस्कुलर सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ये 8 जो है हमारे बॉडी का सिस्टम है ना, ऑर्गन सिस्टम्स है। 5 नंबर, गिव द कॉम्पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, सर्कुलेटरी सिस्टम, हर्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाइप यानी ओसोफेगस बोलिए, फूड पाइप बोलिए, पाइप बोलिए, सब एक ही है, स्टोमेक एंड इंटेस्टाइन। और एक क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी प्रेजेंट, बॉडी का सबसे छोटा सा बोन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो हमारे कान का जो बोन होता है वो सबसे ही छोटा होता है। थैंक यू।